तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी निकालना है, किसकी वजह से? एक बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन एक ही बात होती है। तो अगर ये बार मैग्नेट है सच दैट इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी लेंथ है 2L, और सपोज ये नॉर्थ है और सपोज ये साउथ है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम एंड स्मॉल एम है। तो लेट अस सपोज इसके ऊपर हम एक एक्सिस लेते हैं, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस के ऊपर हमने क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी इस मैग्नेट की वजह से। इस टॉपिक को समझने से पहले इस प्रॉब्लम को समझें कि सपोज अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करें तो ये Q1 है, ये Q2 है और ये R है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय Q2। Q2 से Q2 कैंसिल आंसर। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में E निकालना सीखा था, फिर हमने इसका शॉर्टकट सीखा। क्या शॉर्टकट सीखा, कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर E निकालना है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लें, तो Q1 की वजह से सीधा E की वैल्यू निकाल दें, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R² इज द आंसर। ये शॉर्टकट किया। सेम चीज़ हम किस में करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में जो काम Q करता है वो काम इसमें कौन करता है, पोल स्ट्रेंथ करता है। मान लो दो मैग्नेट्स हैं, एक का पोल स्ट्रेंथ M1 है और दूसरे की पोल स्ट्रेंथ M2 है, दो पोल्स ले लिए। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पर B निकालो, तो E का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, इसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ M2। तो मुझे यहाँ पे B निकालना है। तो पहला तरीका कूलम लॉ, μ0/4πm1 × m2 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय m2 आंसर। दूसरा तरीका ये करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, B की, वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, प्लस अपने मन में एज्यूम करें कौन सा पोल रखा, नॉर्थ, प्लस मींस नॉर्थ, और वन का मतलब पोल स्ट्रेंथ कितनी एज्यूम करनी है यहाँ पर, वन। तो नॉर्थ पोल इमेजिन करना है, वैसे अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये टेस्ट पोल्स हैं, इमेजिनरी पोल्स हैं जो कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ वन है। तो बी की डायरेक्ट फॉर्मूला की वैल्यू क्या आएगी, μ0/4π, ये कितना है m1 डिवाइडेड बाय R², तो बी निकालना आ गया। कुछ नहीं किया इलेक्ट्रोस्टैट्स में, Q1 की जगह पोल स्ट्रेंथ m1 रिप्लेस किया, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो बी का फॉर्मूला क्लियर है सबको। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हमें क्योंकि बी निकालना आ गया, ठीक है, हमें बी निकालना आ गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है वहां पर बी निकालना। जहां पर बी निकालना है क्या एज्यूम करना है, प्लस वन, प्लस नहीं, प्लस की जगह इमेजिनरी पोल नॉर्थ, जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, वन, ऐसे करेंगे वन। तो ये नॉर्थ, इस नॉर्थ को, और हाँ, जिस पॉइंट पे आप बी निकाल रहे हैं उसकी दूरी कहां से ली जाती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट। तो सेंटर ऑफ मैग्नेट में ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो ये 2L है, ये स्मॉल आर है। तो यहां पे अगर आपको बी निकालना है तो रूल नंबर वन, इसमें मुझे क्या करना है, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो बी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी μ0/4π, नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया, तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, एम, इसकी वन है, और अगर ये आर है, आधा एल है, तो ये क्या बनेगा, R-L, तो R-L का होल स्क्वायर, और ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0/4πm×1 डिवाइडेड बाय R+L का होल स्क्वायर। तो एक वेक्टर b1 आ गया, एक वेक्टर b2 आ गया, कौन बड़ा, b1 की b2, b1 बड़ा, इसका डिनोमिनेटर छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा। तो b की नेट वैल्यू आएगी b1-b2, इन्हें माइनस करेंगे आंसर आएगा, और नेट आंसर कहाँ आएगा, टुवर्ड्स राइट। तो हमने ये किया भी था कि एक्सियल लाइन की जो डायरेक्शन है बी की राइट है, और डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ पर है, साउथ से नॉर्थ,
तो डायपोल मोमेंट और बी एक्सियल की डायरेक्शन एक तरफ होती है। तो यही पार्ट इसमें किया हुआ, ये देखो ये बी वन ये बी टू दोनों को माइनस किया, माइनस करके कॉमन टर्म ली, ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, इन्हें माइनस किया, ए प्लस बी ए माइनस बी को ओपन किया, होल स्क्वायर को सॉल्व करके ये टर्म आ गई। फोर को लिखा टू इंटू टू, टू इंटू टू, स्मॉल एम इंटू टूएल क्या होता है, डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स को याद करें तो वहां पर यहां पर पी होता था टू पी आर, यहां पर टू एम आर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें अपने फॉर्मूला बुकलेट में कि बी एक्सएल का फॉर्मूला इसके इक्वल है। और शॉर्ट डायपोल के लिए क्या किया था, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, एल बहुत छोटा है शॉर्ट डायपोल के लिए, तो एल को निगलेक्ट करेंगे, आर की पावर फोर सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी नोट करें, शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सएल के लिए ये फॉर्मूला है, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट डायपोल का यूज़ किया जाता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला नोट करें। इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूला पता है क्या था, 1 बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाई आर क्यूब, इसमें 2 एम बाई आर क्यूब। तो इससे प्लीज़ नोट करें।